सबसे पहले हम लोग न्यू में चलते हैं और एक न्यू फाइल ले लेते हैं और इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन। तो इसके बाद में हम लोग ने क्वेश्चन लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू डिक्लेयर CLARE ए फंक्शन, सॉरी डिक्लेयर कॉमा डिफाइन एंड कॉल ए फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमारी परंपरा है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड कॉन io.h वॉइड मेन। लास्ट में लिख देते हैं गेट सीएच। अब यहाँ पे हम लोग ने एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम लोग ने एक फंक्शन बनाया हुआ है। कौन सा फंक्शन है ये? मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम लोग जितने भी लाइंस लिखते हैं, जितने स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं, सब के सब एग्जीक्यूट होते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसा हम लोग यहाँ मेन मेथड बनाए, इसी के लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, सब जितने भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं ठीक है, सब मेन के लेवल पे बनाते हैं। मेन के अंदर नहीं बनाएंगे, मेन के बाहर में बनाएंगे ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को उसको डिक्लेयर करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे वॉइड एड, इस टाइप का फंक्शन ब्रैकेट्स लगाएंगे और लगा देंगे सेमी कॉलन। ये हो गया डिक्लेरेशन। क्या हो गया? फंक्शन डिक्लेरेशन ठीक है, क्लियर। यहां पे हम लोग कर लिए फंक्शन को डिक्लेयर ठीक है। अब हम लोग इसको डिफाइन कहां पे करेंगे? हम लोग इसको मेन के बाद भी कर सकते हैं ठीक है, और पहले भी कर सकते हैं ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेन के बाद में कर लेते हैं डिक्लेयर। हम लोग लिखते हैं void add और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, सॉरी डिफाइन करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कोई भी दो वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले ठीक है, इंट ए कॉमा बी ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए के अंदर वैल्यू डाल देते हैं 10, बी के अंदर वैल्यू डाल देते हैं 20। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ एडिशन ऑफ ए एंड बी इज परसेंट डी लिख लिए। हम लोग कॉमा देके यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी, दोनों का ऐड करके हम लोग प्रिंट कर दिए। तो ये हमारा एक छोटा सा एडिशन के लिए हम लोग ने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन कैसे बनाया, वॉइड एड हमने लिखा ठीक है, इस टाइप का ब्रैकेट हमने लगाया। इस ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग वॉइड मेन के अंदर पहले हम लोग लिखते थे, वो अब किस में लिख दिया हमने, इस फंक्शन के अंदर में लिख दिया ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन डेफिनेशन ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप हमारा था फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करना हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग को कंपाइलर को इन्फॉर्म करना होता है कि हम लोग एक void add नाम का एक हम लोग फंक्शन बनाने वाले हैं ठीक है। अगर हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं और बाद में मान के चलो उस फंक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं ठीक है, तो भी एरर आएगा।
अगर हम लोग डिफाइन कर देते हैं और डिक्लेयर नहीं करते हैं तो भी एरर आएगा। तो हम लोग को फंक्शन डिक्लेयर भी करना होता है, साथ में फंक्शन डिफाइन भी करना होता है। ओके, तो दोनों हमारा काम हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन भी हो गया और फंक्शन डेफिनेशन भी हो गया। अब हमारी बारी आती है फंक्शन कॉल की। अब फंक्शन कॉल जो होता है हमेशा मेन फंक्शन के अंदर में होता है। फंक्शन कॉल जो होगा हमेशा मेन फंक्शन के अंदर में होगा, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर की जितने भी स्टेटमेंट्स हम लोग लिखेंगे सभी के सभी एग्जीक्यूट होती है। तो हम लोग इसको कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स वगैरह की हमें जरूरत नहीं है और यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको कॉल कर देते हैं उसके फंक्शन नेम से। यहाँ पे लिख दूंगा ऐड और इस टाइप का ब्रैकेट और लगा दूंगा सेमी कोलन। अब फंक्शन की तरफ हम लोग आते हैं और यहाँ पे इसकी कुछ कुछ हम लोग पार्ट समझते हैं कि इसके सिंटेक्स में क्या होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे वॉइड। वॉइड होता है रिटर्न टाइप, इसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न टाइप। ठीक है, जब भी हम लोग कोई एक फंक्शन बनाते हैं वो कोई ना कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो वैल्यू हमें वापस देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हम लोग वॉइड। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी वैल्यू। वॉइड भी एक वैल्यू होती है लेकिन वो एम्प्टी वैल्यू होती है, खाली वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हो रहा होता है। कोई भी फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग वॉइड लिखते हैं। अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता, अगर मान के चलो यहाँ पे हम लोग एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखते, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता रिटर्न ए प्लस बी, तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ए प्लस बी किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो उस केस पे हम लोग यहाँ पे वॉइड की जगह पे लिखते इंटीजर INT। ठीक है, तो हम लोग के रिटर्न वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटर्न टाइप चेंज हो जाता। अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे वॉइड। अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम लोग उसका डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, डेटा टाइप हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। देन आता है यहाँ पे फंक्शन नेम। ठीक है, ये फंक्शन नेम है, फंक्शन का नेम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। हम लोग को फंक्शन नेम हमेशा ऐसा रखना होता है ताकि हम लोग को पता लगे कि हम लोग जो फंक्शन बनाए हैं वो क्या काम कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड लिखा, यहाँ पे एडिशन भी लिख सकता था। ठीक है, जिससे हम लोग को समझ में आए, मतलब जो भी प्रोग्रामर होगा वो उसको पता होना चाहिए कि मैंने जो एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, वो क्या काम करने वाला है। मतलब नेम से स्पेसिफाई होना चाहिए कि वो क्या काम करने वाला है, उसके अंदर किस टाइप का लॉजिक लगा होगा। लाइक यहाँ पे ऐड मैंने लिखा है तो इससे समझ में आ जा रहा है कि हम लोग ने, हो सकता है कुछ नंबर्स एडिशन का उसमें लॉजिक लगाया होगा, ठीक है, या 2 नंबर का ऐड कर किया होगा, 3 नंबर का ऐड किया होगा, 10 नंबर का ऐड किया होगा, कुछ ना कुछ एडिशन परफॉर्म हम लोग यहाँ पे किए हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं हम लोग फंक्शन ब्रैकेट। ये फंक्शन ब्रैकेट ही किसी फंक्शन की पहचान होती है। इसके अंदर हम लोग देते हैं पैरामीटर लिस्ट, हम लोग देते हैं पैरामीटर लिस्ट। अब पैरामीटर लिस्ट जो होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर मतलब होता है वैल्यू, हम लोग वैल्यू पास करते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ। अभी हम लोग कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे, मतलब पैरामीटर जीरो है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे मैं लिखता इंट एक्स, इसका मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर है। ठीक है, कॉमा दे के यहाँ पे लिखता इंट वाई, ठीक है, ये दूसरा पैरामीटर है। तो इस प्रकार से हम लोग पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। तो अभी हम लोग को कोई काम नहीं है तो हम लोग इसको हटा सकते हैं। तो पैरामीटर हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, हम लोग के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है ये ब्रैकेट, ये स्कोप होता है, किसी भी फंक्शन का स्कोप बनाया जाता है।
अगर हम लोग यहाँ void main function की बात करें, main function की, तो यहाँ पे भी हम लोग इसी प्रकार का curly braces लगाते हैं। curly braces हम लोग लगा दिए मतलब ये इसकी boundary wall हो गई। जो यहाँ पे 4 लाइन का मैंने कोड लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल होगा एड फंक्शन के लिए। मतलब हम लोग इस 4 स्टेटमेंट्स को कहीं और पे यूज नहीं कर सकते, इस एड फंक्शन के अंदर ही उसका स्कोप रहेगा, ठीक है, बाहर में कहीं पे भी वो एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे इंट ए को प्रिंट कर सकूँ, मतलब जो ए हमने वेरिएबल बनाया है वो यहाँ पे प्रिंट कर सकूँ, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्यों एक्सेसिबल नहीं है? क्योंकि जब भी हम लोग किसी फंक्शन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, वो फंक्शन या वो स्टेटमेंट इस फंक्शन के लिए, जिस फंक्शन के अंदर वो लिखा गया है, उसके लिए वो लोकल होता है। क्या होता है? लोकल होता है, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, void main के बाहर में हम लोग लिखते हैं, वो ग्लोबल होता है। मीन्स हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर इस void ahead को कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी मीन्स कहीं पे भी, ठीक है, जहां पे वो एग्जीक्यूट हो जाए वहां पे हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है? मेन फंक्शन के अंदर होता है, तो हम लोग मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। अगर मैंने एक और प्रोग्राम बनाया है कुछ भी, ठीक है, लाइक मैंने एक और फंक्शन यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं void print, ठीक है, print line ऐसे करके मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ void print line और इस टाइप से मैं इसको डिफाइन करता हूँ। इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मैं देता हूँ, एक ही स्टेटमेंट देता हूँ, printf, और इस टाइप का मैं एक सिंपल सा डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ कुछ ऐसे लाइन दे देता हूँ और स्टार 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 इस टाइप का डाल देता हूँ, ठीक है, बस इतना सा। और मैं इसको कॉल कर देता हूँ ऐड के जस्ट बाद में, यहाँ पे प्रिंट लाइन, इस टाइप से मैंने इसको कॉल कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बनाया और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, प्रिंट लाइन, ठीक है। अब मैं इस प्रिंट लाइन को या तो यहाँ कॉल कर सकता हूँ या तो यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कॉल किया है। सबसे पहले इसको हम लोग सेव करके रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे fun1.c नाम दिया हूँ और इसको हम लोग करते हैं कंपाइल, फिर इसके बाद करते हैं रन। यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 30, उसके बाद वो लाइन प्रिंट हो रही है। तो यहाँ कॉलिंग क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग ऐड को कॉल किए हैं, जो मेन के अंदर में होता है वो डायरेक्टली रन करता है, ठीक है। सबसे पहले ऐड को कॉल किया गया, ऐड जैसे ही कॉल हुआ वो क्या हो किया, कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। कंट्रोल को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? इस void add में ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही add में ट्रांसफर किया, सबसे पहले वो चेक करेगा कि कोई पैरामीटर लिस्ट तो नहीं है। पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे जो है 0 है, कोई पैरामीटर एक्सेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी पैरामीटर यहाँ पे नहीं पास किया गया। अब उसके यहाँ अंदर में आ जाएंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल बनाया गया है, ये है लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल टू द, लोकल टू द फंक्शन एड, ठीक है, ये इसके लोकल में रहेगा। मतलब ये लोकल वेरिएबल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल सिर्फ ये एड में कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले दो वेरिएबल बना, ए के अंदर 10 चले गया, बी के अंदर 20 चले गया, ठीक है, ए और बी इनिशलाइज हो गए। और यहाँ प्रिंट एफ के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, ए प्लस बी करके प्रिंट कर दिए, ओके। यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं स्लैश एन, ठीक है। जैसे ही ये
एग्जीक्यूट हुआ, जितनी भी लाइन थी इसकी, चार लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग ओवर, देन उसके बाद कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या है, सीधा कंट्रोल कहाँ पे चल जाएगा, स्प्रिंट लाइन पे चले जाएगा, स्प्रिंट लाइन फंक्शन पे चले जाएगा, और क्या प्रिंट कर देगा, इसमें जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा, तो यहाँ पे ये लाइन प्रिंट होगी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैश एन, ओके। तो जिस भी ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे, उस ऑर्डर में कंट्रोल ट्रांसफर होके वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले ऐड को कॉल किया है, ठीक है, उसके पहले मैं प्रिंट लाइन एक बार और कॉल कर देता हूँ, ठीक है, मैंने सेव किया, इसको हम लोग करते हैं कंपाइल और इसको करते हैं रन। यहाँ पे देखो, तो मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको दो बार कॉल किया, ऐड कॉल करने से पहले एक बार कॉल किया तो लाइन प्रिंट हुआ, देन उसके बाद ऐड प्रिंट किया, फिर उसके बाद प्रिंट लाइन फिर से कॉल किए थे तो एक लाइन प्रिंट हो गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कितने भी बार इसको कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट लाइन को कॉल कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसको और दो तीन बार कॉल कर देता हूँ, ठीक है, कितने बार भी हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं, कंपाइलर कभी भी मना नहीं करेगा कि मैं बार बार इसको कॉल नहीं करूँगा, ठीक है, या मेरे को कॉल करने में कोई परेशानी हो रही है, या ऐसा हम लोग कभी भी नहीं सुनेंगे, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा कभी भी। देखो यहाँ पे इतने बार कॉल कर लिए, मैंने बार बार लिखा क्या, मैंने बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखा क्या, नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने एक बार कोड किया है और उसको बार बार रीयूज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ऐड जो है वो बार बार करे, ठीक है, हर लाइन के बाद मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो बार बार वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कितने बार भी हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन चार बार कर दिया और रन करता हूँ इसको, कुछ इस प्रकार का हम लोग का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। हम लोग ने क्या किया, प्रिंट लाइन को किसमें लिखा है, void add के अंदर में हमने लिखा है, और add को हमने किस main main function के अंदर हम लोग ने call किया है। अब इसको हम लोग run करके देखते हैं, कोई error नहीं आया, और यहाँ control plus F9, देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ add को call किया main function के अंदर, ठीक है, सबसे पहले control कहाँ से कहाँ जाएगा, control जो होगा सबसे पहले add call हुआ है और कोई लाइन नहीं है इसमें, ठीक है, कंट्रोल चल जाएगा ऐड के पास, ऐड के पास चले जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पे इंट ए बी वेरिएबल बना, इनिशलाइज हुआ, और यहाँ पे प्रिंट एफ के थ्रू वो प्रिंट हो गया, ठीक है, देन उसके बाद कॉल हो रहा है क्या, प्रिंट लाइन कॉल हो रहा है, प्रिंट लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल कहाँ पे चल जाएगा, इस प्रिंट लाइन फंक्शन के पास चले जाएगा, फिर उसके अंदर के जितने भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है जो हम लोग इस टाइप का लाइन लाइन और स्टार स्टार प्रिंट किए, तो वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये है फंक्शन कॉल, ठीक है, जब तक हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, उस फंक्शन को मेमोरी असाइन नहीं की जाती है, उस फंक्शन का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा, उसका वजूद नहीं होगा, ठीक है, जब तक उस फंक्शन को हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, उस फंक्शन का कोई मतलब नहीं है, वो एकदम आइडल वैसे का वैसे ही बैठा रहेगा, वो फोकट का मेमोरी यूज करेगा और कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर सर। सर